मतलब एक माहौल मिलता है जहाँ पे आप शाम को चाय भी अच्छे से पी सकते हैं, आप डेट भी मारना चाहें ना तो आप यहाँ डेट भी मार सकते हैं सर। देखें अच्छा, लेकिन वो डेट आपने अपनी बेगम के साथ मारनी, बाहर के किसी साथ में वैसे छुपने ही यहाँ पे बहुत सारी जगह है, लेकिन आपने छुपना किसी के साथ नहीं, बेगम के साथ आप यहाँ बैठे हैं, शाम को चाय पिए हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, वहाँ पे आप इंजॉय करें, आपने किसी और के साथ, ठीक है आपको भी बता रहा हूँ, आप अब तो शादीशुदा हैं लेकिन आपने डेट नहीं मारी, आपकी बेगम दूर रहती है लेकिन अब आपके लिए जगह आपने एक्सप्लोर कर ली है। अच्छा, आपको ये जगह एक्सप्लोर करवाते हैं, पिकनिक थोड़ा सा यहाँ का हम आपको टूर भी करवाते हैं कि ये जगह बनी हुई कैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुफियान खान इंडस ग्रुप एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट। इस दफ़ा हम बैरियर टाउन कराची में प्रोजेक्ट नहीं लेके आए आपके लिए, आपके लिए हम लेके आए हैं कराची के अंदर प्रोजेक्ट, सुपर हाईवे पे ये प्रोजेक्ट मौजूद है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं, लेकिन उससे पहले आप इस प्रोजेक्ट का थोड़ी सी वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि मैं किस प्रोजेक्ट के अंदर बैठा हूं, जहां मैं बैठा हूं वहां पे यहां ग्रीनरी बहुत है, वो प्रोजेक्ट है कैसा, उसके बारे में हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन आप पहले ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो देखें। आपने जैसे कि ये वीडियो देख ली होगी जो आपके स्क्रीन पर मौजूद आई, इस वीडियो के अंदर आपको प्रोजेक्ट का नज़ारा मिल गया होगा, प्रोजेक्ट किस तर्ज के ऊपर बनाया गया है, कैसा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अब हम आपको डिटेल देंगे, आपको बताएंगे कि इसका नाम जो है ग्रीनवुड रेजिडेंसी क्यों रखा गया है। ग्रीनवुड रेजिडेंसी, आपको नाम अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर शायद ग्रीनरी होगी, यहाँ पर वुड्स होंगे, ये सब यहाँ पर मौजूद है, आपको दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अर्श पंवर जो कि इंडस ग्रुप के होस्ट हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपार्टमेंट किस किस तर्ज के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्श साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सुजान साहब, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं वो कितने तर्ज के अपार्टमेंट हैं, उनमें रूम्स कितने कितने हैं? देखिए सर, सबसे पहले अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए मैं एक चीज़ पहले ये बताया चलूँ कि ये जो ग्रीनवुड रेजिडेंसी जो एक प्रोजेक्ट है, सही है, ये रिजॉर्ट के ऊपर बनाया गया है। जैसे आप बाहर मुल्क में जाते हैं, मलेशिया में, थाईलैंड में या यूरोप की किसी कंट्री में, तो वहाँ जिस तरह रिजॉर्ट बनाए जाते हैं, इसको भी ठीक उसी तरह से बनाया गया था। 75% यहाँ पे ग्रीनरी है, हर तरफ हरियाली है, पीछे आप देख रहे होंगे कि पानी है, और फिर वहाँ पे रिहाइश के लिए अपार्टमेंट्स हैं, कॉटेजेस हैं, पेंट हाउसेज हैं और ड्यूप्लेक्सेस हैं। सही हो गया। अब अगर आप ये चीज़ है ना, सिटी में अगर आप ये चीज़ लेंगे तो आपको एक छोटे छोटे मकान जैसे कबूतर रहते हैं घोंसलों में, लोग वैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज़िंदगी में एक सुकून, एक ज़िंदगी का एहसास होगा कि यार हम कुदरत के बीचों बीच कुदरत के साथ रह रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ जो अपार्टमेंट्स हैं उनके साइजेस जो हैं वो बहुत वेस्ट हैं, बड़े अपार्टमेंट्स हैं, कुछ 1900 स्क्वायर फीट के हैं, कुछ 2700 और कुछ 3000 स्क्वायर फीट के बड़े अपार्टमेंट्स हैं, और रेट भी जो है ना वो मुनासिब हैं, जो शहर में जो अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं वो भी 1.5 करोड़ का है, तो आपको इतनी अच्छी जगह पर 1.5 करोड़ का, आपको यहाँ सीटिंग एरिया मिलता है, ग्रीन वुड मिलता है, आपको एक मतलब एक माहौल मिलता है जहाँ पर आप शाम को चाय भी अच्छे से पी सकते हैं, आप डेट भी मारना चाहें ना तो आप यहाँ डेट भी मार सकते हैं सर। देखें अच्छा, लेकिन वो डेट आपने अपनी बेगम के साथ मारनी, बाहर के किसी साथ में वैसे छुपने ही यहाँ पे बहुत सारी जगह है, लेकिन आपने छुपना किसी के साथ नहीं, बेगम के साथ आप यहाँ बैठे हैं, शाम को चाय पिए हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, वहाँ पे आप इंजॉय करें, आपने किसी और के साथ, ठीक है आपको भी बता रहा हूँ, आप अब तो शादीशुदा हैं लेकिन आपने डेट नहीं मारी, आपकी बेगम दूर रहती है, लेकिन अब आपके लिए जगह आपने एक्सप्लोर कर ली है। अच्छा, आपको ये जगह एक्सप्लोर करवाते हैं, पिकनिक थोड़ा सा यहाँ का हम आपको टूर भी करवाते हैं कि ये जगह बनी हुई कैसी है। अच्छा, आपको यहाँ स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप ये वीडियो में देखें, आप देखें कि इसका मॉडल अपार्टमेंट कैसा है, इसकी जगह कैसी है, फिर हम दोबारा आपके पास आते हैं।
अच्छा, तो आपने यहाँ का टूर तो कर लिया होगा, मॉडल अपार्टमेंट भी आपने विजिट कर लिया, स्काई व्यू भी आपको नज़र आ गया होगा। ये प्रोजेक्ट शानदार प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसकी लोकेशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, वो इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताऊं तो इसकी लोकेशन दो तरह से निकलती है। आप हाईवे से आ जाएं, अलबीब के बिल्कुल अपोजिट पड़ता है, या आप सादी सफूरा से सादी टाउन एंटर हो, सादी टाउन से एंटर हो के सादी गार्डन से भी सीधा रोड लें तो आप सादी गार्डन से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छा प्रोजेक्ट मुनासिब पैसों में। सेम आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके जो रेट हैं कराची के प्रोजेक्टों से आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है। वहाँ आप फलकनाज या सायमा के प्रोजेक्ट लेते हैं और यहाँ पे ग्रीनवुड लेते हैं तो आपको क्या डिफरेंस मिलता है। एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छा प्लानिंग, एक अच्छी टाउन प्लानिंग, आपको ग्रीनरी मिलती है, आपको यहाँ पे डुप्लेक्सेस, पेंट हाउसेज और कॉटेजेस भी मिलते हैं, एक अच्छा व्यू आपके अपार्टमेंट से। तो मज़ीद मालूमात के लिए आपने दिए गए नंबर से मुझसे ज़रूर रब्ता करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।